प्रकाशक बताएं। नर्सेज का जो मूल वेतनमान है बिहार उत्तर प्रदेश ही नहीं राजस्थान के अंदर जो हमारे समकक्ष कैडर हैं उनसे भी अब 2023 जो ACP नए नियम बनाए हैं उससे अब JN हो शिक्षक हो सब इंस्पेक्टर हो इन सबसे 2 से 3 पे स्टेप डाउन नर्सेज का हो गया है। नर्सेज इसको लेकर आक्रोशित है। 11 सूत्री मांगे थी हमारा कैडर रिव्यू की मुख्य मुद्दा है। 80 पद से हम लोग रिटायर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 3 पदों से रिटायर करेंगे। प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से सफाई कर्मचारियों को जो लगाया जाता है उनको 9,500 और यहाँ पर जो नर्सेज जो क्वालिफाइड BSc MSc उसको 7,900 उनसे भी कम वेतन देकर के राजस्थान में विशेषज्ञ नर्सिंग शिक्षा का जो अपमान किया जा रहा है ये सहन योग्य नहीं है। हमारे जो नर्सिंग छात्र हैं उन नर्सिंग छात्रों को 150 से 900 रुपये तक मात्र स्टाइपेंड मिलता है और इस स्टाइपेंड से वो अपना एक यहाँ रह भी नहीं सकते एक किराया लेकर के मकान तो अपना गुजारा तो कैसे करेंगे। और तीनों पारियों में लोग ड्यूटी करते हैं हमारे और हमारी NMLH भी कैडर है उनके पदोन्नति और पदनाम परिवर्तन की डिमांड है। हमारी नर्सिंग कैडर की डिमांड है। ये सब पेंडिंग चल रही हैं। 4.5 साल हो गए आचार संहिता लगने को है। सरकार ने अब तक कोई निर्णय कार्रवाई करी नहीं है इसलिए हम 18 मई से हमने राजस्थान जयपुर में 2-2 घंटे का कार्य बहिष्कार शुरू किया था और अब 18 जुलाई से हम लोग पूरे राजस्थान के अंदर हमारे ये नर्सिंग संगठन के धरने चल रहे हैं और हमने 15 अगस्त तक का डेडलाइन सरकार को दिया है और तब तक हमारे मशाल जुलूस कैंडल मार्च और अन्य जो कार्यक्रम होंगे कल पूरे राजस्थान के अंदर हनुमान चालीसा सुंदर कांड का पाठ किया जा रहा है और उसके बाद में फिर हमारी तय है रणनीति है और 23 तारीख को हमारा डेडलॉक है 22 तक का अल्टीमेटम है और 23 तारीख को कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर के और जयपुर पहुँचेंगे और फिर वो कब वापस लौटेंगे ये सरकार की मर्जी पर निर्भर करता है। सर जैसे कि जिला स्तर पर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है नर्सेज के द्वारा यहाँ 98 कर्मचारी हैं आपके लेकिन यहाँ संख्या कम देखने को मिल रही तो क्या कारण हो सकता है इसका? ये जो धरना है ये प्रतिनिधियों का धरना है और यहाँ पर हमारे तमाम ब्लॉक के हमने कुछ साथी बुलाए वो सभी विभिन्न ब्लॉकों से सारे लीडर्स हैं तो आज हम लोग यहाँ आए थे आगामी क्या चरण होंगे उस तरह बताने के लिए हमने तो आज लीडर्स की सभा बुलाई थी और हमने उनको डायरेक्शन पास किया है। दौसा के 100% कर्मचारी चाहे NMLH भी हो चाहे नर्सिंग ट्यूटर हो चाहे नर्सिंग छात्र हो चाहे नर्सिंग ऑफिसर हो वो सभी कैडर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले सब लोग यही हैं और उनको जो भी मार्गदर्शन जो भी निर्देश मिलेगा यहाँ के लीडर्स के माध्यम से और वो उसको फॉलो करने वाले हैं और सब लोग पूरी तन मन धन से इस लाभमंद हैं। सर आपका नाम? मैं राजेंद्र राणा प्रदेश संयोजक राजस्थान नर्सेज संघर्ष ग्रुप। थैंक यू।